मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, देखिए केमिस्ट्री डे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सिखाया था, किस तरीके से न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। आज हम बात करेंगे मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो मेंडलीव ने एक टेबल बनाई अपनी क्लासिफिकेशन के लिए, टेबल बनाई जिसमें उन्होंने 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, आप देखोगे कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जो हमने यहाँ बनाया नहीं है। और ग्रुप देखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे लगभग। ठीक है, 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो 63 एलिमेंट्स को उन्होंने सबके सब एलिमेंट्स को अरेंज किया। और किस तरीके से अरेंज किया कि बीच बीच में उन्होंने ऐसे गैप छोड़े। देख रहे हो आप, हाइड्रोजन के बाद ये पूरी गैप छूटे हुए हैं, उसके बाद सेकंड ग्रुप में भी यहाँ जाके गैप छूटे हुए हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच कर पाए, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लॉ के बारे में जान लेते हैं कि मेंडलीव क्लासिफिकेशन लॉ क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब यदि आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से आगे बढ़ोगे, आप यदि देखोगे यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे रखा है, तो वापस से जब वो पीरियड खत्म करके आएंगे, वापस से पीरियड में आएंगे तो प्रॉपर्टी मैच करेंगी। इसका मतलब एलआई की प्रॉपर्टी ऐसी मैच करेगी, मतलब इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करेंगी, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करेंगी। इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले भी ऊपर लिख रखे हैं। जैसे ऑक्साइड का फॉर्मूला है R2O, मतलब यदि आप R की जगह H लगा दोगे तो H2O, Li की जगह लगा दोगे तो Li2O। मींस हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो H2O बनाएगी, H यदि H के साथ रिएक्शन करेगी तो H2 बनाएगी। तो हम ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले देख के सबकी प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए भी उन्होंने स्पेस छोड़ा। जैसे आप देखेंगे कि बोरोन के नीचे इधर स्पेस छूटा हुआ है, एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस छूटा हुआ है, सिलिकॉन के नीचे भी स्पेस छूटा हुआ है। इन्होंने इसका नाम रखा है एका बोरोन, इसका नाम इन्होंने रखा है एका एल्यूमिनियम, और इसका नाम रखा इन्होंने एका सिलिकॉन। मतलब उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पहले ही डिसाइड कर दी थी जब एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए। बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तब जैसे उनका नाम था एका बोरोन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, मतलब यहां पर स्कैंडियम गैलियम एंड जर्मेनियम, इस तरीके से। तो ये मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो प्रीवियस क्लासिफिकेशन से काफी हद तक इम्प्रूव्ड था और बहुत कुछ सीखने को मिला उससे, लेकिन कमियां यहां भी थी। वो ड्रॉबैक क्या क्या थे, एक तो आप देखोगे कि कोबाल्ट और निकल का रॉन्ग ऑर्डर, निकल का एटॉमिक मास 58.7 होता है और कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 होता है। ठीक है ना, तो कोबाल्ट को निकल से बाद में आना चाहिए, लेकिन निकल को उन्होंने बाद में रखा है जबकि एटॉमिक मास उसका कम है, तो ये रॉन्ग ऑर्डर था। हाइड्रोजन की पोजिशन भी फिक्स नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से भी मैच करती है और हाइड्रोजन ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन उनसे भी मैच करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अब देखोगे जैसे कार्बन के आइसोटोप्स हैं C11, C12, C13, तो 11, 12, 13 यहाँ पर कार्बन के आइसोटोप्स को भी स्लॉट मिलने चाहिए थे, लेकिन कार्बन केवल एक ही स्लॉट में रखा गया। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स रखते हैं और जिनके लिए जगह नहीं है। तो इस तरीके से इनके ये ड्रॉबैक थे
पोजिशन ऑफ आइसोटोप को नॉट एक्सप्लेन बाई हिम एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ कोबाल्ट एंड निकल एंड पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट कन्फर्म। ओके, तो आई होप कि आपको मेंडली क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।